बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मैथमेटिक्स पार्ट क्लास 10 एक्सरसाइज पार्ट पॉइंट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज करेंगे। सो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कहा जा रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड पी, देन स्टेट आइदर द फॉलोइंग रिलेशन शोज देयर एग्जिस्ट वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, एफ नॉट गिव द रीजन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि हमें ये दो रिलेशन गिवन है, ठीक है, 1 एंड 2, ये दो रिलेशन। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आप लोग ये सब शो करो कि ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रीज़न बताओ कि क्यों नहीं है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के शुरू में हम व्हाट इज़ फंक्शन, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एंड 1-to-1 फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देख चुके तो मैं आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पहले उस वीडियो को आप लोग देख के फिर। तो यहाँ पे हमें ये दो सेट्स गिवन है, मीन सेट ए आप लोगों को गिवन है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। सो सेट ए के मेंबर्स हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 0, 1, 2 एंड 3, जबकि सेट बी के मेंबर्स है एक्स वाई जेड और साथ पी भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में आप लोगों के पास 0 और x पेयर्ड है, इसी तरह सेकंड ऑर्डर पेयर में 2 और z पेयर्ड है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर पेयर में 3y, सो मींस आप लोगों के पास 3 जो है वो y के साथ पेयर्ड है, ठीक है, और मींस 1 जो है वो p के साथ पेयर्ड है, सो इसको मैं p के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी में हमने पढ़ा था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पेयर्ड विद 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, इसी तरह सेट बी के भी हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के हर एलिमेंट के साथ, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, सेट ए के हर एलिमेंट पेयर्ड है, 0 भी पेयर्ड है, 1 भी पेयर्ड है, 2 भी पेयर्ड है, 3 भी पेयर्ड है, लेकिन सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। इसी तरह सेट बी का हर एलिमेंट पेयर है सेट ए के साथ, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी है। सो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी बिटवीन सेट ए एंड बी, तो जो फर्स्ट रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ये, सो इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड रिलेशन चेक करते हैं, लेट्स से सेट ए हमारे पास गिवन है, दैट इज व्हाट, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेट बी हमारे पास गिवन है, दैट इज व्हाट, एक्स वाई जेड और इसी तरह पी। सो सेकंड रिलेशन में 0 और एक्स पेयर्ड है, ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास 1 और जेड, ठीक है, ये 1 और इसको मैं जेड के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है, 2 वाई के साथ पेयर्ड है, 2 पेयर्ड है वाई के साथ, और इसी तरह 3 जो है वो जेड के साथ है, ठीक है। अब अगर आप इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी चेक करें तो सेट बी अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास जो जेड है वो सेट ए के 2 मेंबर एलिमेंट के साथ पेयर्ड है, ठीक है। सो हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी में ये पढ़ा था कि सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर होना चाहिए। नंबर एक रीज़न ये है कि जेड जो है वो 2 एलिमेंट, सेट ए के 2 एलिमेंट के साथ पेयर है, और सेकेंड रीज़न ये है कि पी किसी ए के साथ पेयर नहीं है। सो मीन्स हमने पढ़ा था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी पेयर विद सेट ए, सो यहाँ पे पी आप लोगों के पास जो सेट बी का मेंबर है ए के साथ पेयर्ड नहीं है। सो ये 2 रीज़न हमारे पास आ रहे हैं। सो मींस पी आप लोगों के पास अनपेयर्ड है, ये हमने कहा कि पी सेट ए के साथ किसी एलिमेंट के साथ पेयर्ड नहीं है, और सेकंड रीज़न हमने ये कहा कि जेड जो है वो पेयर्ड है विद द 2 एलिमेंट्स, दैट इज़ 1 और 3 के साथ ये पेयर्ड है, ठीक है, सिर्फ एक के साथ पेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, देन सेट आइदर द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट देयर एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इफ नॉट काइंड ऑफ रिलेशन दे आर, ठीक है। आप लोगों को 2 सेट्स गिवन है और कह रहे हैं कि ये जो 2 रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन आप लोगों को एक और सेकंड ये रिलेशन गिवन है,
वो कह रहे कि आया इनमें वन टू वन करस्पॉन्डेंसी है, अगर नहीं है तो रिलेशन के टाइप्स बता दो, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आप लोगों का सेट ए जो है वो हमें गिवन है, सिर्फ ए बी तीन एलिमेंट्स इसमें ए बी और सी, ठीक है। इसी तरह सेट बी गिवन है, दैट इज़ व्हाट उसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें फर्स्ट रिलेशन में आप लोगों को ए जो है वो 2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह बी जो है वो आप लोगों के पास 3 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और इसी तरह सी जो है वो 4 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसको चलो मैं 4 के साथ रिलेटेड कर देता हूँ। सो अगेन आप लोगों के पास ये वन टू वन करस्पॉन्डेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट बी का जो 5 एलिमेंट है वो सेट ए के साथ पेयर्ड नहीं है, वो अनपेयर्ड है, ठीक है। सो मींस इस वन रिलेशन में, रिलेशन वन में आप लोगों के पास ये वन टू वन करस्पॉन्डेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और रीज़न मैंने बता दिया कि ये जो आप लोगों का सेट 5 है, ठीक है, 5 इज नॉट पेयर्ड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सो वन टू वन करस्पॉन्डेंसी नहीं है। सो टाइप ऑफ रेंज के लिए, सॉरी टाइप ऑफ रिलेशन के लिए हमने क्या करना होगा, इसका रेंज मालूम करना होगा। सो रेंज हमारे पास किसके बराबर होगा, मींस सो रेंज हमने पढ़ा था कि सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स आप लोग चेक करें, दैट इज 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो मींस जो रेंज हमारे पास आ रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज 2, 3 और 4 आ रहे हैं। इसको हम सेट में लिखेंगे और इसको चेक करेंगे कि आया ये सेकंड एलिमेंट्स के बराबर है, सेट सेकंड सेट के बराबर, ठीक है। सेकंड सेट हमारे पास यहाँ पे बी है विच इज़ 2, 3, 4 एंड 5, सो इसमें 5 मिसिंग है विच इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, बी के बराबर नहीं है। सो हमने ये पढ़ा था कि अगर इसी तरह हो कि अगर रेंज बी के बराबर ना हो तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ एन टू फंक्शन, क्या है, एन टू फंक्शन, ठीक है, ठीक है। इन टू फंक्शन के अलावा ये वन टू वन फंक्शन भी है, ठीक है। अगर आप लोग चेक करें सिर्फ एक एक एलिमेंट के साथ आप लोगों के पास ये पेयर्ड है, बी के बी में रिपीटिशन आप लोगों के पास नहीं है, सो मींस ये वन टू वन फंक्शन भी है, वन टू वन फंक्शन, ठीक है। ये याद रहे कि वन टू वन फंक्शन और वन टू वन करस्पॉन्डेंसी में डिफरेंस है, ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो ये वन टू वन और सो ये हमने पढ़ा था कि एन टू और वन टू वन फंक्शन हो तो उनको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इन जो फर्स्ट रिलेशन हमें गिवन था वो वन टू वन करस्पॉन्डेंस नहीं है लेकिन वन टू वन फंक्शन और एन टू फंक्शन है, सो इसलिए हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो सेकंड रिलेशन को अगर आप लोग चेक करें इसमें ए जो है वो 3 के साथ पेयर है, ए 3 के साथ पेयर है। इसी तरह बी जो है वो 4 के साथ, सो बी जो है वो उसको मैं 4 के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये 4 के साथ पेयर है। सी जो है वो 3 के साथ पेयर है, ठीक है। सो सी को मैं एक पेयर कर देता हूँ किसके साथ, 3 के साथ। सो ये आप लोगों के पास रिलेशन आप लोग चेक करें इसमें ये वन टू वन करस्पॉन्डेंसी नहीं है क्योंकि इसमें आप लोगों के पास 2 और 5, सेट बी के 2 और 5 जो है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। और इसी तरह एलिमेंट 3 जो है वो 2 एलिमेंट सेट ए के 2 एलिमेंट के साथ पेयर है, दैट इज़ 1 ए और सी। सो दिस मींस कि इसमें भी वन टू वन करस्पॉन्डेंसी नहीं है, करस्पॉन्डेंसी नहीं है। सो टाइप के लिए हमने रेंज मालूम करना है, ठीक है। सो रेंज आप लोग चेक करिए यहाँ पे 3, 4, 3, सो मींस रेंज आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, 3 और 4, ठीक है। ये 3 और 4 आप लोगों के पास आ रहे हैं, मीन्स विच इज़ नॉट इक्वल टू अगेन बी के बराबर नहीं है, ठीक है, सेट बी के बराबर नहीं है क्योंकि उसमें आप लोगों के पास 2 और 5 मिसिंग है, ठीक है। सो जब ये हो तो हमने पढ़ा था कि अगर रेंज सेट बी के बराबर ना हो तो हम कहते हैं टू फंक्शन, ठीक है। और ये वन टू वन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें 3 आप लोगों के पास रिपीटेड टर्म है, बी जो आप लोगों का सेट बी है उसमें 3 जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ पेयर्ड है,
सो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, ठीक है, सो ये सिर्फ एन टू फंक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं कि एक्स इज द सेट ऑफ वन टू थ्री एंड फोर एंड वाई फाइव सिक्स सेवन एट, देन राइट नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि ए इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। सो मीन्स हमने एक फंक्शन मालूम करना हो जो एक्स टू वाई हो, मीन्स एक्स के एलिमेंट आप लोग पहले लिखेंगे और वाई के एलिमेंट बाद में। सो लेट्स से इसको मैं लिख रहा हूँ एफ वन, इसको मैं एफ वन से डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि फंक्शन के वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक है, उसके मुताबिक। लेट से मैं वन को पेयर करवा रहा हूँ वाई के सेकंड एलिमेंट के साथ विच इज़ सिक्स, ठीक है, इसी तरह सो टू में पेयर कर रहा हूँ सेवन के साथ, ठीक है, और इसी तरह लेट से थ्री को पेयर करते हम फाइव के साथ, और फोर को अगेन मैं फाइव के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है कि वाकई ये जो हम एफ वन लिख चुके हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। सो उसके लिए वो दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि आप लोग डोमेन मालूम करें, मींस डोमेन ऑफ एफ वन, डोमेन हमने पढ़ा था कि जिस फंक्शन का या रिलेशन आप मालूम कर रहे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट मींस वन टू थ्री फर्स्ट एलिमेंट आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, वन टू थ्री एंड फोर, और अगर ये वापस फर्स्ट सेट के बराबर हो, यहाँ पे फर्स्ट सेट हमारा क्या है एक्स, सो अगर आप लोग चेक करें ये एक्स के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे चेक करें एग्जैक्टली ये एक्स के बराबर है, ठीक है, सो मींस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ये था कि आप लोग इन पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड ना हो, क्या मतलब है कि ये वन किसी और अर्डर्ड पेयर में दोबारा ना आया हो, ठीक है, वन नहीं है, इस तरह टू अगर आप लोग चेक करें तो बाकी अर्डर्ड पेयर में नहीं है, इस तरह थ्री भी सिर्फ एक बार आया हुआ है, ठीक है, फोर भी अगर आप लोग चेक करें एक बार आया हुआ है, सो मैं कहता हूँ कि नो रिपीटिशन, ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट लिख दें, मैं सिर्फ रिपीटिशन, नो रिपीटिशन। सो दिस मीन्स कि एफ वन आप लोगों का क्या है, एफ वन इज अ फंक्शन From x to y, अच्छा सेकेंड ये कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर वाई इज इक्वल फाइव सिक्स सेवन एट, देन राइट वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, सो वन टू वन फंक्शन हमने लिखने हैं, सो लेट्स से इसको मैं टू से डिनोट कर देता हूँ, और वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन के लिए ये है कि वो एग्जैक्टली फंक्शन भी हो और जो सेकंड सेट है वो भी रिपीटेड ना हो, ठीक है, सो मैं इसको लिख रहा हूँ लेट्स से वन एट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूँ टू के साथ फाइव, ठीक है, और इसी तरह थर्ड एलिमेंट थ्री दैट इज़ सेवन, और फोर्थ को मैं सिक्स के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है, फोर सिक्स, सो इसको डोमेन आप एफ टू इज इक्वल टू वन टू थ्री और फोर, ठीक है, जो आप लोगों का सेट एक्स के बराबर है, ठीक है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, वो एक्स के बराबर है, और अगर आप लोग इसको चेक करें सो देयर इज नो रिपीटिशन, ठीक है, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ टू, ठीक है, एफ टू में कोई जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो, सो मीन्स एफ टू फंक्शन है, लेकिन वन टू वन फंक्शन के लिए हमें ये है कि ये एग्जैक्टली जो आप लोगों का सेकेंड पेयर है वो भी रिपीटेड ना हो, ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करें वन को मैंने एट के साथ पेयर किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह टू जो है वो फाइव के साथ पेयर है, टू जो है वो फाइव के साथ पेयर है, इसको मैं चलो फाइव के साथ पेयर करवा देता हूँ, ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थ्री जो है वो सेवन के साथ पेयर है, ठीक है, सो थ्री को चलो मैं सेवन के साथ पेयर कर देता हूँ, और इसी तरह फोर जो है वो सिक्स के साथ, ठीक है, सो फोर को मैं सिक्स के साथ पेयर कर देता हूँ। सो अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे वो रिपीटिशन वाला फंक्शन तो हमने बता दिया, ठीक है, सो वन टू वन फंक्शन ये इसलिए कि अगर आप लोग सेट बी के एलिमेंट्स को देख चेक करें वो रिपीटेड नहीं है,
ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एफ टू जो है ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि रिलेशन विच शोज देयर वन टू वन करस्पॉन्डेंसी। ठीक है, वन टू वन करस्पॉन्डेंसी के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो आप लोग फंक्शन क्रिएट करो। तो वन टू वन के लिए चलो मैं एफ थ्री से इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वन को लेट्स से फाइव के साथ पेयर करता हूँ। ठीक है, वन टू वन करस्पॉन्डेंसी में ये है कि आप लोगों का जो कोई भी एलिमेंट सेट वाई के साथ पेयर हो लेकिन सिर्फ एक के साथ, ठीक है, रिपीटेड ना हो। ठीक है, और हर पेयर भी, हर एलिमेंट जो है वो भी पेयर हो। मीन्स टू मैं कर देता हूँ लेट्स से सेवन के साथ, इसी तरह थ्री कर देता हूँ दैट इज एट के साथ, और जो लास्ट आप लोगों का फोर आ रहा है तो उसको आप पेयर करें किसके साथ, फोर रहता है आप लोगों का फाइव सिक्स सिक्स रहता है। ठीक है, सो सिक्स के साथ में पेयर कर देता हूँ। तो ये आप लोगों के पास वन टू वन करस्पॉन्डेंसी है। ठीक है, सो अगर लेट्स से इसको मैं सेट ए लिख रहा हूँ, सेट ए सॉरी एक्स, सो एक्स आप लोगों के पास वन टू थ्री फोर मीन्स वन टू थ्री और फोर। ठीक है, इसी तरह वाई आप लोगों का है फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ठीक है, तो ये वन जो है वो फाइव के साथ पेयर है। इसी तरह लेट्स से चलो जो सेकंड टू है वो सेवन के साथ पेयर है। ठीक है, इसको मैं सेवन के साथ पेयर कर देता हूँ, और थ्री जो है वो एट के साथ पेयर है। ठीक है, सो थ्री जो है वो एट के साथ पेयर है, और इसी तरह फोर जो है वो सिक्स के साथ। अगर आप फोर को चेक करें तो ये सिक्स के साथ है, इसको मैं चलो सिक्स के साथ पेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो ये वन टू वन करस्पॉन्डेंसी है क्योंकि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट सेट वाई के साथ सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। इसी तरह वाई के तमाम एलिमेंट्स बीइंग फाइव सिक्स सेवन एट, तमाम एलिमेंट्स जो है वो पेयर्ड है एक्स के साथ सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। तो इसमें वन टू वन करस्पॉन्डेंसी है। तो मैं कह रहा है कि आप लोग क्या करो, अ फंक्शन विच इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम वाई टू एक्स, यहाँ पे याद रहे कि ये वाई टू एक्स है, इससे पहले एक्स टू वाई। ठीक है, बाकी इससे पहले जो तीन पास हम पढ़ चुके वो एक्स टू वाई, तो मीन्स वाई आप लोगों ने पहले लिखना होगा। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ा था कि रेंज अगर आप लोग मालूम करो रेंज, ठीक है, रेंज आप लोगों का किसके बराबर होना चाहिए, रेंज विल बी इक्वल टू बी सेट बी, सेट बी मीन सेकंड, सेकंड में अब यहाँ पे सेकंड आप लोगों का क्या है, सेकंड सेट आप लोगों का एक्स है। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास एक्स के बराबर होना चाहिए। सो लेट्स से मैं फंक्शन इसको मैं एफ फोर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं एक वाई टू एक्स, याद रहे कि ये वाई टू एक्स है, सो वाई के एलिमेंट हम पहले लिखेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट फाइव, लेट्स से मैं इसको वन के साथ पेयर कर देता हूँ। इसी तरह सिक्स जो है वो आप लोग पेयर करें टू के साथ। ठीक है, और इसी तरह लेट्स से सेवन को मैं पेयर कर देता हूँ फोर के साथ, और एट को मैं करूँगा थ्री के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों का वाई टू एक्स। ठीक है, उसमें आप लोगों ने चेक करना होगा कि जो आप लोगों का रेंज है, रेंज आप लोगों का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट आप चेक करें दैट इज टू वन टू फोर एंड थ्री, ये आप लोगों का यहाँ पे एक्स जो है आप लोगों का सेकंड है इसके बराबर है। ठीक है, इससे के बराबर, तो ये आप लोगों के पास एफ फोर जो है ये एक फंक्शन है ऑलरेडी, अगर आप लोग चेक करें दैट इज वर्क फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट आप लोगों का वही है, इसके बराबर है। ठीक है, सही है। तो पार्ट फाइव में कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो, बाइजेक्टिव फंक्शन मालूम करो, लेकिन ये भी आप लोगों को वाई टू एक्स। ठीक है, मीन्स आप लोगों ने फर्स्ट सेट क्या लेना होगा, वाई लेना होगा, सेकेंड सेट एक्स लेना होगा। और बाइजेक्टिव के लिए आप लोगों के पास दो कंडीशन है, मीन्स आप लोगों के पास वो एक तो ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है, ऑन टू भी हो, और साथ नंबर टू वन टू वन भी हो। ठीक है, क्या हो, वन टू वन। ठीक है, ऑन टू के लिए आप लोगों के पास कंडीशन ये था कि द रेंज जो आप लोगों का रेंज है वो आप लोगों का सेकंड एलिमेंट के बराबर हो। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू सेट बी, अब यहाँ पे सेकंड सेट आप लोगों को कौन सा आ रहा है, दैट इज एक्स। ठीक है, सेकंड यहाँ पे एक्स है, और वन टू वन के लिए है कि आप लोगों के पास जो सेकंड एलिमेंट है मीन्स एक्स, एक्स के एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, एक्स के एलिमेंट रिपीट ना हो, नो रिपीटेशन इन एक्स सेट।
ठीक है। तो चलो इस फंक्शन को मैं F5 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट आप लोगों के पास इसमें दैट विल बी इक्वल टू व्हाट वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई फर्स्ट है, वाई टू एक्स है, ठीक है। तो मीन्स 5 को मैं पेयर कर देता हूँ 4 के साथ, ठीक है। सेकेंड 6 को पेयर कर देते हैं 3 के साथ, और इसी तरह 7 जो है वो मैं 1 के साथ पेयर कर देता हूँ, और जो लास्ट आप लोग का 8 को मैं पेयर करवा रहा हूँ 2 के साथ, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें मैंने कोई वो रिपीट नहीं करवा दिया, ठीक है। और जो आप लोगों का रेंज है वो 5 6 7 8, जो आप लोगों का 5 6 7 8 वाई फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। जो सेकंड आप लोगों का आ रहा है रेंज, मीन्स इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है, ठीक है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 भी रिपीट नहीं हो रहा है, 7 और 8, तो मीन्स ये आप लोगों का फंक्शन है। अब वो कह रहे थे बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए आप लोगों के पास दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। रेंज को चलो फर्स्ट हम कर देते हैं रेंज, ठीक है। रेंज सेकंड एलिमेंट्स दैट इज 4 3 1 और 2, तो इसको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, दैट इज 1 2, ठीक है, 1 2 फिर 3 और 7, ये 4, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास से सेट किसके बराबर है, एक्स जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स, तो ये एक्स के बराबर है, ठीक है, सही है। रेंज हमारे पास ये एक्स के बराबर फर्स्ट कंडीशन, और 1 to 1 ये है कि जो आप लोगों के पास जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीटेड ना हो, सो मीन्स 1 यहाँ पे रिपीट नहीं है, 2 चेक करिए रिपीट नहीं है, 3 रिपीट नहीं है, 4 रिपीट नहीं है, सो नो रिपीटेशन इन सेकेंड एलिमेंट ऑफ F3। अच्छा लास्ट पार्ट में ये कह रहे कि फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई विच इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन, ठीक है, कि वो 1 to 1 फंक्शन भी ना हो और ना ऑन टू फंक्शन हो, तो मीन्स तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 चीजें चेक करने हैं। नंबर 1 कि वो फंक्शन हो, ठीक है, एक आप लोगों के पास ये मस्ट है कि वो फंक्शन हो। सेकंड ये है कि वो 1 to 1 फंक्शन ना हो, मीन्स 1 to 1 फंक्शन के लिए हमने ये पढ़ा था कि सेकंड एलिमेंट्स रिपीटेड ना हो, तो मीन्स वो 1 to 1 फंक्शन ना हो, तो मीन्स आप लोगों ने सेकंड एलिमेंट्स रिपीट करने हैं, ठीक है। और फिर थर्ड वो साथ ये कह रहे हैं कि नार ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि रेंज इज इक्वल टू बी, तो रेंज को भी आप लोगों ने बी के बराबर नहीं लेना है, ठीक है। सो लेट्स से मैं फंक्शन ले रहा हूँ दैट इज F6, इसको मैं F6 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो मीन्स कि वो फंक्शन हो, तो फंक्शन के लिए आप लोगों ने एक्स टू वाई, ठीक है, एक्स टू वाई, तो मीन्स ये एलिमेंट्स आप लोगों ने एक बार लेने, मीन्स 1 के साथ लेट से मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 2 भी मैंने लिखना होगा, वो 6 के साथ रिपीट पेयर कर देता हूँ, ठीक है। 3 जो है वो मैं लेट से 7 के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 4 8 के साथ पेयर करूंगा तो फिर ये 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा, तो इसको मैंने रिपीट करना है, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन में हमने सेकंड एलिमेंट में रिपीट ना हो तो यहाँ पे मैंने रिपीट करना है, मींस 4 को मैं करूंगा इनमें से किसी एक के साथ, मींस 5 6 7 लेट से मैं 6 के साथ पेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करें ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये एग्जैक्टली एक्स के बराबर है और इनमें से कोई टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स 1 2 3 4 में कोई टर्म कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक फंक्शन है, ठीक है, F6 इज अ फंक्शन। अच्छा अब नेक्स्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि वो 1 to 1 ना हो, तो 1 to 1 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है ये रिपीट हो रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू के लिए हमने पढ़ा था कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पे 5 6 7 8 इसमें मिसिंग है, तो रेंज आप लोग बी के बराबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसको अगर आप डायग्राम में चेक करें तो ये फंक्शन है x2y, ठीक है। अगर आप लोग चेक करें 1 2 3 4 सिर्फ एक एक बार आज कल रिपीटेड भी नहीं है और हर एलिमेंट पेयर है y के साथ, ठीक है। सो अब हम आते हैं काइंड की तरफ, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो रिपीटेड है, जो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट है इसमें जो 6 एलिमेंट है वो रिपीटेड है y के साथ, जो पेयर है दैट इज वो 6 जो है 2 के साथ भी पेयर है और 4 के साथ, तो ये रिपीटेड है, सो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो लास्ट रेंज आ रहा है वो
सिक्स और सेवन, ठीक है। रेंज आप लोगों का क्या है, फाइव सिक्स सेवन, विच इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एट आप लोगों के पास मिसिंग है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहे हैं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, चेक आइदर द फॉलोइंग सेट्स ऑन द फंक्शन, फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन ऑन ए, इन द केस दे आर फंक्शन इंडिकेट दियर रेंज, उसका रेंज मालूम करें, एंड विच फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये बात नोट करें कि हमें यहाँ पे एक सेट गिवन है और कह रहे हैं कि ये ऑन फंक्शन ऑन ए, मीन्स आप लोगों का फर्स्ट सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए ही होगा, मींस ए क्रॉस ए, जो रिलेशन आप लोगों को गिवन है ये ए क्रॉस ए, ठीक है। ये सारे जो है ए क्रॉस ए, मींस फर्स्ट एलिमेंट भी आप लोगों का फर्स्ट सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए होगा। सो फर्स्ट हमने इसको चेक करना है कि आया ये फंक्शन है या नहीं। सो फंक्शन के लिए आप लोगों का फर्स्ट कंडीशन क्या था कि आप लोग क्या करो, डोमेन मालूम करो, ठीक है। सो डी ओ एम, अब इस फंक्शन इस रिलेशन के, चलो इसको मैं आर वन कह देता हूँ, डोमेन ऑफ आर वन, ठीक है। ये आप लोगों का लेट से आर वन, ठीक है। सो इसके डोमेन के फर्स्ट एलिमेंट मींस वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सो इसको मैं सेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है, जो आप लोगों के पास सेट ए के बराबर है, ठीक है। आप लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड दोनों सेट्स आप लोगों के पास ए ही है, ठीक है। सो ये ए के बराबर है। अब सेकंड कंडीशन फंक्शन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड ना हो। फर्स्ट एलिमेंट अगर आप वन को चेक करें तो वन बाकी एडेड पेयर में रिपीट नहीं है, इसी तरह टू भी आप चेक करें टू भी यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, थ्री भी चेक करें किसी और एडेड पेयर में रिपीटेड नहीं है, फोर किसी और एडेड पेयर में, इसी तरह फाइव, सो नो नो रिपीटेशन। ठीक है, सो मींस आर वन आप लोगों का क्या है, आर वन इज अ फंक्शन ऑन ए, ठीक है। सो आर वन आप लोगों का फंक्शन है। अब हमने इसके रेंज मालूम करने, ठीक है। सेकंड वो कह रहे क्या करो, अगर फंक्शन है तो इंडिकेट योर रेंज, सो मींस रेंज रेंज किसके बराबर होगा, रेंज, सो रेंज मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आपको ये आर वन, सो दिस इज व्हाट, फाइव थ्री थ्री रिपीटेड है, ठीक है, टू एंड वन, सो इसको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, वन पहले लिख रहा हूँ फिर टू और थ्री रिपीटेड है, लेकिन हमने एक बार लिखना है, ठीक है, और लास्ट आप लोगों के पास फाइव, ठीक है। सो ये आप लोगों का क्या रहे, दैट इज योर रेंज, ठीक है, जो हमसे पूछा गया कि रेंज भी मालूम करो। और फिर वो कह रहे हैं कि विच फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, सो अगर आप लोग इसको चेक करें विच इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, ये ए के बराबर नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों ए ही है, सो क्योंकि इसमें फोर मिसिंग है, ठीक है, सो ए के बराबर नहीं है। जब ये ए के बराबर हो तो तब हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन, सो मैं कहता हूँ कि इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अच्छा, सेकंड लेट से इसको मैं आर टू के देता हूँ और ये हमने चेक करने के आया ये फंक्शन है या नहीं। सो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, डोमेन मालूम करेंगे, सो डोमेन ऑफ आर टू विच इज इक्वल टू व्हाट, डोमेन्स हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट, सो वन टू थ्री फोर फाइव, सो दैट इज वन टू थ्री फोर एट फाइव, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली आप लोगों का सेट ए ही आ रहे हैं, सो मीन्स फर्स्ट कंडीशन आप लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है वो आप लोगों का, और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये था कि फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप लोग चेक करें सो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, सो कोई भी एलिमेंट दूसरे एडेड पेयर में रिपीट नहीं हो रहा, सो मैं कहता हूँ कि नो रिपीटेशन। एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर टू में कोई रिपीटेशन नहीं है, सो मींस आर टू आप लोगों का क्या है, आर टू इज अ फंक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑन ए, ठीक है, इसमें चूंकि ए की सेट है सो हम कहते हैं ऑन ए। अच्छा, उसमें सेकंड वो कह रहे हैं कि रेंज मालूम करें, सो रेंज
रेंज अगर आप लोग चेक करें आर टू का, सो दैट इज व्हाट सेकंड एलिमेंट 1, 4, 2, 1, 3. अब यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, सो मीन्स 1, ठीक है, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4. सो ये अगेन सेट बी के बराबर, एक सेकंड सेट मीन्स ए ही है, ठीक है, के बराबर नहीं है, सो हम कहते हैं कि दैट इज अ नॉट अ, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये भी आप लोगों का आर टू जो है ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है. पार्ट थ्री अगर आप लोग चेक करें इसको, चलो हमने चेक करना है कि आया ये फंक्शन है या नहीं. सो फर्स्ट कंडीशन इसका ये है कि आप लोग क्या करो, चलो इसको मैं आर थ्री लिख रहा हूँ, लेट दिस इज व्हाट योर आर थ्री. सो आर थ्री डोमेन ऑफ आर थ्री क्या होगा, डोमेन ऑफ आर थ्री दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है, विच इज़ व्हाट 1, 2, 3, 4, 5. अगेन आप लोग का 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, जो आप लोगों का एग्जैक्टली सेट ए ही है, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट ए, ठीक है. और सेकंड नो रिपीटेशन, इस फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है. नो रिपीटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर थ्री, ठीक है, सो मीन्स आर थ्री इज अ फंक्शन. ऑन ए, ठीक है, सेट ए पे ये फंक्शन है चूंकि ए की सेट है. अब सेकंड उसने कहा है कि आर रेंज ऑफ आर थ्री, ठीक है, रेंज अगर फंक्शन है तो आप लोग क्या करो, रेंज मालूम करो. सो रेंज ऑफ आर थ्री आप लोगों का क्या हो जाएगा, और रेंज हमने पढ़ा था कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, आप लोगों के जो सेकंड एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट इज 2, 1, 1, 4, 5. सो इसको मैं सेट में लिख रहा हूँ, मीन्स 1, 2, ठीक है, 1, ये 1 रिपीट हो रहा है, 2 और 4 और 5. सो ये अगेन सेट ए के बराबर नहीं है, ठीक है, हमने रेंज पढ़ा था कि सेकंड एलिमेंट और सेकंड सेट, सो यहाँ पे सेकंड सेट ही आप लोगों का ए ही है, ठीक है, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू ए, रेंज हमारे पास सेट ए के बराबर नहीं है, सो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, मीन्स आर थ्री इज नॉट ऑन टू फंक्शन. ठीक है, सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 5.5, आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.